हेलो जी, जय राम जी की, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? और श्याम बाबा का मेला भरने वाला है, बहुत सारे श्रद्धालु कल जा रहे थे। हम लोगों ने देखा था जब हम जयपुर से आ रहे थे, तो भगवान उन सब की विश पूरी करे, श्याम बाबा उनकी विश पूरी करे। इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों को अभी आरती की क्या हालात हैं वो सब बताऊंगी। और हम लोग कल आ गए थे, कल वहाँ पे 3 बजे तक हम थे, 3 बजे हम वहाँ से चले थे, मैं और शर्मा जी रात को पहुँचे थे। और वहाँ चला गया मम्मी के पास अर्जुन, अरुण है घर पे। अब आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए कि दीदी आरती की कैसी हेल्थ है बताओ अभी। और फिर दूसरा उसकी हेल्थ ना, वो उस सिचुएशन पे है कि थोड़ा थोड़ा जैसे पॉइंटों में कुछ परसेंटेज इतना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब अचानक से जैसे नॉर्मल पेशेंट में होता है ना वैसा कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे ख्याल से ब्रेन के जो पेशेंट होते हैं उनमें नहीं होता होगा, तो उसमें भी बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ कि उसके साथ अभी उसकी सिचुएशन कैसी है। तो हमारी कल डॉक्टर से मीटिंग भी हुई थी, डॉक्टर ललित भारद्वाज, उस का जैसे उस डॉक्टर उस हॉस्पिटल में उसका जो भी केस है उसको हैंडल कर रहे हैं ना, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी। हम लोग गए थे बात करने, तो उन्होंने बताया था, मेरी आँख फड़क रही है, जिस दिन आरती बीमार हुई थी ना उस दिन फड़कने लगी थी, अब तक बराबर फड़क रही है। और वैसे उल्टी आँख लोगों की अच्छी होती है लेडीज़ की, लेकिन पता नहीं मेरी जब भी आँख फड़कती है ना मेरी लाइफ में बहुत भूचाल मचा के जाती है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर से कल मीटिंग हुई ना, तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा था, मैंने पूछा था उनसे, पहले तो वो बता रहे थे, बोले काफ़ी सुधार है पहले से, अब तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, जितने पेशेंट आईसीयू में है ना उनमें रिकवरी आरती की जल्दी हो रही है। लेकिन वो होता है डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है, हमें नहीं दिखता। मुझे तो मैंने फर्स्ट टाइम कल उसको इस अटैक के बाद में देखा, तो मुझे तो बहुत सीरियस लग रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और वैसे मैं मेरे थे मैंने मेरे देखने के नज़रिए से, मैंने आपको कल भी बताया था, अभी बता देती हूँ कि बॉडी, हाँ बॉडी तो पैरालाइज है ही, ऊपर से मतलब एकदम हल्की आवाज़ में थोड़ा सा टूटा फूटा वर्ड जैसे साल भर का बच्चा बोलता है ना ऐसे वो बोल पाती है। और स्वेलिंग पूरी बॉडी पे है उसके, फोटो मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर नहीं कर सकती, मैं अकेली नहीं हूँ, काफ़ी लोग हैं मेरी फैमिली में, तो नहीं कर सकते अभी हम लोग। और वैसे आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को जब उसमें थोड़ा सा दिखने लायक इम्प्रूवमेंट होगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, बस ये है कि अभी उसमें दिखने लायक इम्प्रूवमेंट नहीं है कि दिख जाए कि कुछ हाँ सुधार है। आप लोग भी परेशान होगे, आपके माइंड से नहीं उतरेगी, इसलिए मैं नहीं बता दिखा रही फोटो। शर्मा जी से पूछ लो आप, शर्मा जी कमेंटों को रिप्लाई कर रहे हैं, क्या नाम था अभी, मनीषा मीना, मनीषा मिला। मनीषा मीना जी जो हैं उन्होंने कहा कि कल तक काफ़ी सुधार हो जाएगा, मेरी प्रार्थना अगर रंग लाए तो मेरा। नहीं, वो बोले हैं कि मेरे वाले चैनल पे आए हैं, वो बोले हैं कि मैं गारंटी देती हूँ, मतलब मैं कहती हूँ पक्की, मैंने कल प्रार्थना की है, मेरी प्रार्थना सही होती है, आप देख लेना कल तक बहुत सुधार हो जाएगा। और वैसे देखा भी है कि आज पूरी रात से नहीं सोई थी वो। उसका क्या है, उसके ये जब से ब्रेन में अटैक आया ना, पहली तो बार उसने मम्मी से, मतलब वो जो वहाँ पे नर्स होती हैं दीदी, उनसे पूछ कहा है कि मेरी मम्मी से बात करा दो, रेनू से बात करा दो। रात को उन्होंने नर्स दीदी को बुला के और ऐसे बोला बोला कि मम्मी के पास फोन लगा दो, मतलब टूटे फूटे वर्ड में बोलती है वो, साफ नहीं बोलती है ना चाना, ऐसे बोलती है मम्मी फोन बात करा दो, धीरे धीरे एकदम मैं जोर से बोल रही हूँ, और मेरा नाम लिया है कि उससे बात करा दो। फिर नर्स ने कहा कि करवाऊंगी, नर्स ने उसका थोड़ा ध्यान इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश की, और रात भर वो सो नहीं पाई। सुबह फिर मम्मी गई तो मम्मी से बात की उसने, और मम्मी से क्या कहा कि मम्मी बोले हाँ नज़र उतार दो, मम्मी बोली उतार दी मैं तेरी नज़र, फिर उतार दूंगी, फिर बोली मम्मी घर चलो, मम्मी बोली चलेंगे, मम्मी बीकानेर चलो, बीकानेर के लिए बोल रही है, बीकानेर वाले घर पे चलो, और फिर कहती है मम्मी मैं ठीक हो जाऊंगी, टूटे फूटे लाइन में ही, मतलब एकदम जैसे हम बोल रहे हैं ना ऐसे नहीं बोलती वो, कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मम्मी बोली हो जाएगी, फिर बोली मम्मी मेरे हाथ पैर, मम्मी बोली हाथ पैर भी सही होएंगे, मम्मी मेरी गर्दन, उसकी गर्दन है ना काफ़ी स्वेलिंग आ गई है, वो ऐसे एक ऐसे ऐसे ही रहती है, जिस साइड में अटैक आया है ना उसी साइड में गर्दन रहती है उसकी,
तो उसने कहा कि गर्दन जो मम्मी वैसे बोली है गर्दन उसे हिलने लिए। लग गई ऐसे, परसों कल ऐसे कर रखी थी उसकी, हिलती हाँ है वैसे। वो नर्स करती हैं, उसकी पूछा था मैंने नर्स से कि ये अपने आप गर्दन ऐसे कर लेती है या आप करते ये हो। भी कल का दिन मन ठीक था, वो जो एक कल्पना दीदी है वहाँ पे वो बहुत बढ़िया थी। परसों नाइट में हम गए थे तब भी उसने बहुत तरीके से बात करी, हमें भी कहा था कि आप तो नहीं मिलने देंगे, आप बाद में आ जाना मैं मिला दूंगी। तो वही थे वहाँ पे नाइट में ड्यूटी में। उन्होंने ही, हाँ उन्होंने ही रात को बात किया। हाँ और कल मेरे से बात क्या की उसने, मेरे से बोली मैं गई ना, फिर मैंने बोला कि जीजी मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर में, मेरे टाके भी नहीं कटे हैं और तू मेरे से बात भी नहीं करी। मैंने जैसे वो सुनती सब है और आंखें ऐसे रखती है, तो जैसे मैंने उसके पास बोला ना तो उसने हल्के से फिर आँख खोली, फिर बोली जीजी। मैं बोली हाँ। बोली चोटी कर दे। फिर मैंने उसकी चोटी की, उसके बाल बहुत बुरी तरह उलझे हुए थे, धीरे धीरे सुलझा सुलझा के। नर्स से मैंने परमिशन ली, नर्स रुकने नहीं देती, पेरेंट्स मतलब जो भी होते हैं ना घर से उनको कहते हैं वार्डन वगैरह कि हम अपने आप कर देंगे, आईसीयू में नहीं रुकना, लेकिन उन्होंने मेरे को परमिशन दी। मैंने कहा कि मैं चली जाऊंगी, मेरा मन है मैं 10 मिनट इसके पास टाइम स्पेंड कर लूँ, आप रुक जाने दो मेरे को। तो नर्स ने मेरी बात मानी, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ, और मेरे को बोले कि ठीक है आप इसकी चोटी करो। और फिर मैंने उसके बालों को धीरे धीरे करके ऑयल मसाज किया और सुलझाया, फिर उसकी चोटी की। इतनी देर में उसने मेरे से धीरे धीरे करके बात पूछी, जीजी मैं ठीक होऊंगी। मैं बोली हाँ होएगी। वो एक ही चीज़ पूछती है ज़्यादा, मैं ठीक होऊंगी, मेरे बाबू मेरे बच्चे, मेरा बाबू मेरे बच्चे। और आप लोग कह रहे हो कि उसको बाबू दिखा दो बच्चे दिखा दो, तो देखो डॉक्टर जो है ना वो अलाउ नहीं करते। अभी अगर उसके सामने बच्चे बाबू जाएंगे ना तो वो फिर से मतलब सोचने लग जाएगी कि बच्चों के बारे में कि कैसे होगा, मेरे तो शरीर काम नहीं करता, मैं एक टाइप से ऐसे ही सिचुएशन में हूँ, मैं बच्चों को कैसे रखूँगी, तो फिर उसके माइंड पे बर्डन जाएगा। तो बच्चे जितना हो सकता है ना हम उसके माइंड में आने नहीं देना चाहते। अभी हम सोचते हैं कि उसके माइंड में बच्चे नहीं आए, वो धीरे धीरे जाके रिकवरी जल्दी हो उसकी, ठीक है। तो देखते हैं हम डॉक्टर के हिसाब से इम्प्रूवमेंट, डॉक्टर बता रहे हैं। वैसे अभी खाना पीना कुछ भी नहीं है, नाक से उसके लिक्विड में ही कुछ जाता है, नाक में नलकी लगी हुई है और बाकी ड्रिप लगी हुई है, ड्रिप से पूरे हाथ सूज चुके हैं, उसके बॉडी ज़्यादातर सूज चुकी है। मैंने कहा कि कल की भैया ये ड्रिप कहीं और है लगा दो, तो नर्स से बोला तो नर्स ने कहा यहाँ है अब अगला पोजिशन, तो देख लो यहाँ लगाने से अच्छा है एक बार हाथ में चल रही है, जब तक चलने देते हैं चाहे दर्द होता हो। मैंने कहा ठीक है आप हाथ में चलने दो, ठीक है। तो आप लोग दुआ करना वो जल्दी सही हो जाए। ये कुछ उसकी हेल्थ अपडेट थी, मैं फिर से मिलूंगी आप लोगों को, कुछ मिलेगा जब मेरे को पता सुनने को अच्छा सा, ठीक है। बाय।